नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग UVF में रिलेशन स्थापित करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ चिन्ह के नियम को समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले गोली दर्पण से दूरी नापने के चिन्हों का नियम हम समझते हैं। अब जैसे दर्पण एक बना दे रहे हैं, कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इस प्रकार से अवतल एक दर्पण बना रहे हैं। किस प्रकार से हम दूरी को नापते हैं और उनके चिन्हों को लेते हैं, तो आप देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है और यह क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, तो दूरी को हमेशा ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। हमेशा याद रखेंगे कि दर्पण में चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दूरी को हमेशा हमें कहाँ से नापना है, ध्रुव से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं हमेशा वस्तु जो रखी जाएगी वह दर्पण है, यह दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। ये कौन सा है दर्पण का, बायां तरफ, और एक है दाहिना तरफ, यानी कि लेफ्ट में हमेशा वस्तु हमेशा इधर रहेगी। यह नहीं कि वस्तु इधर रहेगी, हमेशा आप जब भी सवाल लगाएंगे तो वस्तु को हमेशा किधर मानना है, दर्पण के लेफ्ट साइड में। तो प्रकाश हमेशा लेफ्ट से इस पर आपतित होगा, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या है यह, आपतित किरण। अब यहाँ से जब प्रकाश चलेगी तो इसको हम F बोलते हैं, तो ये क्या हुई, परावर्तित किरण। ठीक है, यह परावर्तित किरण। तो हमेशा इतना याद रखिएगा, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक। अगर हम किसी भी दूरी को इस डायरेक्शन में लेंगे, यानी जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, आपतित हो रहा है, उस दिशा में हम लेंगे तो प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस। अगर इधर जा रहा है तो प्लस। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रकाश के चलने, क्योंकि प्रकाश आपतित हो रहा है उधर, और प्रकाश के इधर विपरीत चलने की विपरीत दिशा में। अब देखिए इधर जा रहा है लेकिन हम किधर ले रहे हैं, इधर, तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हमेशा दूरी कहाँ से नापते हैं, पी से। तो P के ध्रुव के इस साइड ली गई, यानी कि दाई बाई तरफ ली गई दूरी, यानी कि राइट लेफ्ट साइड में ली गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और इसको हम बोलेंगे दाहिना, ये क्या है आपका दाहिना, ये क्या है बायां है। ठीक है, तो इस साइड लेंगे ध्रुव के, क्योंकि ध्रुव यहाँ पर है। ठीक है, इसके इधर लेंगे तो पॉजिटिव दाहिने लेंगे, तो बाएँ लेंगे तो निगेटिव। इतना बस आप याद रखिए कि ध्रुव के दाहिने प्लस, बाएं माइनस, और मुख्य अक्ष के ऊपर जब आप लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे लेंगे तो निगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना याद रखिए कि ध्रुव हमेशा दूरी को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव के दाहिने तरफ पॉजिटिव, ध्रुव के बाएँ तरफ निगेटिव, ऊपर मुख्य अक्ष के पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब इस प्रकार से हम यह भी निकाल सकते हैं, देखिएगा ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है इधर होता है, वक्रता त्रिज्या इधर होती है। ठीक है, और ये क्या है, ध्रुव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो याद हो गया कि नहीं, फोकस अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, क्योंकि हम ये क्या है, प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी, प्रकाश इस प्रकार से चलती है लेकिन हम दूरी को हमेशा कहाँ से नापते हैं, इस ध्रुव से लेते हैं। तो इस ध्रुव से जब हम इधर दूरी चलेंगे, इस साइड डायरेक्शन में दूरी चलेंगे, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या
दोनों क्या आती है, ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और इसका मुख्य ध्रुव यहाँ पर हो गया और इसका फोकस इधर हो गया, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया। तो अब देख रहे हैं प्रकाश इस तरह से चलता है तो क्या होगा कि यहाँ से जो यह वाली दूरी है F है और ये प्रकाश के चलने ध्रुव से किधर चल रहे हैं, दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो दाहिने तरफ चली गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं यू वी एफ में संबंध। जब तक ये समझ में आ गया होगा, अब नहीं समझ में आएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा आगे चल करके, तो इसलिए आप इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक। अब देखिएगा हम स्थापित करेंगे किस में संबंध, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। इस सूत्र का हम लोग स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए देख रहे हैं, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक, ये हो गया। और ये यहाँ पर यह क्या है, इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इसका द्वारक जो मान लेते हैं M1, M2। आप एक बार देखेंगे आपको दर्पण का जो यू वी एफ में संबंध है वह एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मुख्य अक्ष है, अब लिखते चलते जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलिएगा। अब मुख्य अक्ष है, मानते हैं इसका जो यह बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते चलते हैं कि माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसके सामने एक वस्तु रख रहे हैं, ठीक, एक वस्तु ए बी। वस्तु क्या है, यह ए बी रख रहे हैं। जब वस्तु को हम रखेंगे तो क्या होगा, इसका अगर मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C है और फोकस F है, ठीक है। तो अब प्रकाश किरण जब यहाँ से चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, फिर आएगा ऐसे खींच देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक, ये हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण। जैसे जैसे चलते हैं लिखते चलते हैं, तो मानते हैं ये हो गया जिसका फोकस लिख लेते हैं, माना दर्पण का फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है और फोकस F है। तो इस प्रकार से अब हम मान लेते हैं कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अतः फोकस दूरी इसको हम क्या मान लेते हैं,
कहाँ से कहाँ तक की फोकस दूरी? ध्रुव से, हमेशा कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या है यहाँ पर फोकस दूरी? पी, क्योंकि दूरी को कहाँ से लेते हैं? हमेशा पी से, ध्रुव से लेते हैं। तो पी एफ, और मैंने बताया था कि अगर आप ध्रुव के लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी सी पी सी, वक्रता केंद्र कितना है? पी सी। अब ये भी क्या है? दर्पण के लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख दिए, और इनमें संबंध होता है, यह जो है कि त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। तो इस प्रकार से क्या फार्मूला एक अपने पढ़ा होगा कि एफ बराबर आर बाई टू, या आर बराबर टू एफ, यह होता है। ठीक है, आगे क्योंकि इसका यूज होगा इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हो गया ये। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण हम क्या करते हैं कि इसके बी बिंदु से इस पर प्रति डालते हैं, तो वहीं पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर, यहाँ पर, ये यह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी डैश। मानते हैं कि माना माना दर्पण दर्पण के ध्रुव से के ध्रुव से वस्तु की दूरी, किसकी? वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर? पी ए है, पी ए बराबर, क्योंकि यह इस साइड है, दर्पण के लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा? माइनस यू। ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्या है? यू है। इसी प्रकार से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पी से ए डैश तक है, पी ए डैश, मान लेते हैं क्या है? भी है, क्योंकि यह इधर है, तो क्या होगा? माइनस में होगा अवतल दर्पण के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप U और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चिन्ह के साथ ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में सीधे इसके मान को रखना पड़े, बाद में इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले रख दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा तथा देखिए ए बी सी यह हो गया, और ए डैश बी डैश सी यह हो गया, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। अब देखिएगा यह वाला जो कोण है, कोण ए यानी बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश, यह जैसे यह वाला कोण कितना है? 90 अंश है, तो यह वाला भी कोण देख रहे हैं कितने का है? 90 अंश का है, तो क्या हो गया? ये क्या है? समकोण है, समकोण है। और जो कोण ये वाला है, यह वाला कोण, यह वाला कोण बराबर होंगे, शीर्षा भी मुख कोण है, तो कोण बी सी ए बराबर बी डैश कोण बी डैश सी डैश सी ए डैश, यह क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण
ठीक। अब तब ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, दोनों क्या हैं, त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, समरूप हैं। जब समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका आधार, इसका लंब और आधार यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर इसका लंब ए डैश बी डैश अपान ए डैश सी, ए डैश सी। आया समझ में, यानी कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इतना समझ में आया। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश, फिर ए सी इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर ए सी अपान ए डैश सी। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण एक मान लेते हैं। इसी प्रकार से अब हम क्या कर रहे हैं कि एक दर्पण के जहाँ से ये आपतित किरण हो रही है, M से इसको मान लेते हैं, क्या M, M से मुख्य अक्ष पर क्या करें, एक लंब डालने हैं, ठीक है, कहाँ तक, N इसको मान लेते हैं N, तो MN की लंबाई AB की लंबाई के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे दर्पण के, दर्पण के M बिंदु से, M बिंदु से मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा, एक लंब M N खींचा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि दर्पण के M बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब MN खींचा। अब जो MN है, यह MN है, वह किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो MN बराबर AB, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, MN AB के बराबर हो गया, तो अब यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MN F तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ से, यह क्या है, समरूप त्रिभुज है। कैसा है, समरूप त्रिभुज है, देखिएगा एम एन एफ और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, यह वाला ए डैश बी डैश एफ, ये क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो एम एन, एम एन अपान एन एफ क्या है, एन एफ इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इसका लंब आधार इस त्रिभुज का, ए डैश बी डैश अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पक्ष इधर कर देते हैं, नीचे ला देते हैं, त्रिक पक्षांतर कर देते हैं, एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम एन बराबर हमने क्या रखा है, ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम एन बराबर ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश एन एफ अपान ए डैश एफ, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण दो, तो समीकरण दो मान लेंगे, समीकरण दो, ठीक। अब समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, अब देखिएगा इसका जो एल एच एस है बराबर है, ए ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसका एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा,
ए सी अपान ए डैश सी बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके मान को लिखते हैं। ए सी क्या है, वस्तु के वस्तु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ पर प्रदर्शित कर लेते हैं पहले कि F कहाँ तक है। F क्या है, P से F की दूरी, फोकस दूरी, ये हो गई F, ठीक है। और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी क्या है, V है, V। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, R है, इसको 2F लिखते हैं क्योंकि यह फोकस की दुगनी होती है, 2F। और ये क्या है, A से P की दूरी या क्या वस्तु की जो दूरी है उसको हमने U लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ AC, A से C तक पूरा दूरी है। अगर U, U में से अगर हम R को घटा दें, U में से हम क्या करें, R को अगर घटा देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं, ये वाला दूरी मिल जाएगी। पूरा जब U है और इतना R है तो U में से R को घटा दे, जैसे अगर मान लें पूरी दूरी 10 है और इतनी दूरी 8 है, तो अगर हम घटाएंगे तो यह 2 आएगा कि नहीं, यह वाली डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम क्या करें, U में से R को घटा दे रहे हैं। तो U क्या है, पी ए, तो यहाँ पर लिख रहे हैं पी ए, पी ए माइनस यहाँ तक की दूरी पी सी अपान, इसके बाद है ए डैश सी, ए डैश सी यहाँ पर है। तो अगर हम क्या करें कि आर में से क्या करें कि इस वाली दूरी को निकाल दें, भी को निकाल दें, तो ये वाली दूरी मिल जाएगी हमें। तो पी सी यहाँ तक है, अब हम इसमें से क्या निकाल दें, पी ए डैश को माइनस कर दें, क्या करें, पी ए डैश को माइनस कर दें, तो हमारी ए डैश सी दूरी आराम से निकल जाएगी। यह हो गया। अब एन एफ, अब देखिएगा एन एफ कहाँ से कहाँ तक है, एन एफ जो एन बिंदु है ध्रुव के काफ़ी नज़दीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ, काफ़ी नज़दीक है, तो इसको हम, तो एन एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपान, आया कि नहीं समझे, काफ़ी नज़दीक है तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ए डैश एफ, ए डैश एफ यह लिखना है, तो अगर हम क्या करें भी में से एफ को घटा दें तो हमारा ए डैश एफ निकल जाएगा। तो पूरी दूरी क्या है, पी ए डैश माइनस पी एफ, इसको हम घटा दें। अब सभी मानों को हम रख लेते हैं। P से A तक की दूरी क्या है, देखिएगा हमने जो लिखा हुआ है P से A तक की दूरी यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। P से A तक की दूरी क्या है, माइनस U, माइनस U, चिन्ह सहित लेंगे माइनस पी सी, पी सी देखिए यहाँ पर है ना, पी सी देखिए, पी सी चलिए यहीं पर देख लेते हैं, R है तो क्या है माइनस में होगा, 2F रख देंगे क्योंकि F के बीच में रिलेशन स्थापित करें तो हम F रख देंगे, 2F रख देंगे अपान। अब फिर PC, PC क्या है आपका, यह यही है PC, तो माइनस 2F माइनस PA डैश, PA डैश क्या है, V है, तो माइनस भी, ओके। अब पी एफ, पी से एफ की दूरी क्या है, एफ माइनस में रहेगा या अपान। फिर इसके बाद क्या है आपका, पी ए डैश, पी ए डैश माइनस भी माइनस पी एफ, पी एफ क्या है माइनस एफ, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस टू एफ अपान माइनस टू एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी,
ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक लाइन और कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर लिख दें तो माइनस यू प्लस टू एफ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, माइनस भी प्लस एफ है, माइनस भी प्लस एफ, यह हो गया, ठीक। अब यहाँ पर यह दोनों हो गया, फिर अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, तो माइनस बराबर माइनस एफ, क्या है, माइनस टू एफ माइनस टू एफ प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ये हो गया भी। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यू भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो टू एफ का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस टू एफ भी, फिर प्लस टू एफ स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे एफ का तो क्या हो जाएगा, टू एफ का स्क्वायर माइनस एफ भी, तो यह कैंसिल हो जाएगा दोनों, और क्या बचेगा, टू एफ भी, ठीक है, यू भी, ठीक है, माइनस यू एफ। अब यह वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एफ भी प्लस टू एफ भी, क्या बचेगा यहाँ पर, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ भी, क्योंकि यह किस में है, यह माइनस में है, यह माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी, यह है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दें, दोनों पक्षों में यू भी एफ भी एफ से भाग देने पर, अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू एफ भी है। अब यहाँ पर भी यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी एफ, तीनों में यू भी एफ से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, यू भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा, यू एफ, तो यू और एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एफ भी है तो एफ भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा है यहाँ पर देखिएगा वन अपान एफ, बचा क्या है, वन अपान एफ माइनस वन अपान भी भी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा, वो वन अपान यू, वन अपान यू, ये यू है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब एफ को इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण बनकर के आया, क्या बन के आया, वन अपान एफ वन अपान यू प्लस वन अपान भी, यही हमारा समीकरण स्थापित करना था, वन अपान एफ वन अपान भी वन अपान यू। काफ़ी आसान तरीके से बताया, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।